बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक इन एडवांस, क्योंकि ईद तो कल है, आज चांद रात है, मतलब अभी थर्ड दिन का टाइम है। तो हम जा रहे हैं जी शॉपिंग करने, लास्ट पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा नहीं करनी थी। काफ़ी सारे क्लोथ्स जो हैं वो मेरे मतलब वेडिंग पे जब गई थी और पाकिस्तान से, तब भी जो गिफ्ट्स वगैरह मिले वो न्यू ड्रेसेस पड़े हुए हैं, तो इसीलिए वो तो करनी नहीं है, बस बॉयज़ ने कुछ लेना था तो देखें अगर उनको मिलता है तो इसी तरह से बेटी भी मेरी कह रही थी ड्रेस उसका है ऑलरेडी, तो मैंने कहा अगर आप लेना चाह रहे हो तो कैजुअल में ले लो, क्योंकि अभी समर भी है, वेदर इस तरह से। तो बस फिर आज इसी तरह से देखिए डे गुजरेगा बिज़ी, क्योंकि अभी शॉपिंग करने के बाद हमने जाना है चांद रात जो एक पार्टी है वहाँ पे, आउटडोर ही है वो भी, बस स्मॉल सी गैदरिंग है। मस्जिद में जो कम्युनिटी सेंटर होता है ना उसके आउटडोर ही, यानी कि थोड़े से लोग जो है मिलके कर रहे हैं, तो यहाँ से भी शॉपिंग करने के बाद बस हम जाएंगे घर वाले, उसके बाद वहाँ पे जाना है। तो अब देखें कि क्या मिलता है इधर से कुछ जल्दी जल्दी से, क्योंकि लोग हैं आउटसाइड क्यों नहीं है आजकल, किसी शॉप पे होता भी है लेकिन यहाँ पे इतना नहीं है लकीली। और मास्क वगैरह हम सब ने पहने हुए हैं क्योंकि अभी तो ये रूल भी बन गया हुआ है कि यूके में, हालांकि इन्होंने काफ़ी लेट स्टार्ट किया ये रूल, लेकिन ये कि चले तो बस वही पहने हुआ है। वेदर चेंज हो रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन वो मास्क पहन के ना थोड़ी सी गर्मी की फीलिंग आ रही है। तो जी बच्चे अभी देख रहे हैं, उनको मिल नहीं रही अपने मतलब पसंद के कलर, हालांकि स्पोर्ट्स ड्रेस पे काफ़ी होती है वैरायटी। ये एक शॉप के बाहर ना डिस्प्ले पर उन्होंने लगाया, ऐसे लिखा हुआ था, पोस्टर लगाया हुआ था ईद मुबारक का। तो जी शॉपिंग अभी बस उन्होंने टी शर्ट्स वगैरह लिए हैं और जो उनको चाहिए था वो ले लिया है, अभी आइसक्रीम खा रहे हैं। चांद रात का मतलब ईद का जितना मज़ा आता है उतना ही चांद रात का आता है, लेकिन मोस्टली ज़्यादा है पाकिस्तान में ही मज़ा आता था कि कोई हम शाम में मतलब जा रहे हैं बाज़ार में और इस तरह से वहाँ से मेहंदी लेना, और होता है ना कि लास्ट डे पे बस चूड़ियाँ वगैरह, तो वो एक अपना ही मज़ा होता था। लेकिन जाहिर सी बात है फिर हर एक जगह का डिफरेंट होता है, यहाँ पर चांद रात जो पार्टी होती है वो नाइट को तो नहीं कर सकते, मतलब दूसरी सिटीज़ में होती हैं, लेकिन जैसे हम लोगों का होता है कि बस बच्चे भी हैं तो इस तरह से, तो वो फिर ज़रा आफ्टरनून में ही हो जाती है ना, कि इस तरह से इजी हो जाता है बच्चों के लिए भी और मदर्स के लिए भी। ये देखिए जी मेहंदी का स्टॉल था, उसके बाद ये केक्स वगैरह का और केक्सिकल्स बहुत मज़े के बने हुए थे, ये मेरी सिस्टर ने बनाए सारे, बहुत मज़े के थे, टेस्टी थे। मतलब किड्स के तो वैसे चॉकलेट फेवरेट है, बड़ों की भी है, तो किड्स काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं ये वाले। चार्ट भी थी, फेस पेंटिंग, बच्चे क्यों में खड़े हैं फेस पेंट करा रहे हैं, और बस हम लोग चार्ट इंजॉय कर रहे हैं। चार्ट भी बहुत मज़े की बनी हुई थी, चना चार्ट थी, उसके अलावा ऐसी बस थोड़े से लोग थे। तो चले हम जी अभी कुकिंग टाइम स्टार्ट हो गया है, घर आ गई मैं, बहुत अच्छी रही पार्टी, बेटी मेरी ने बहुत इन्जॉय किया। तो उसके बाद आ गई हूँ क्योंकि मुझे असर अभी पढ़ लिया, तो मैंने कहा कुकिंग कल के लिए स्टार्ट कर लेती हूँ, ये बेस्ट है, क्योंकि हमेशा मैं ना पहले से थोड़ी कर लेती होती हूँ, वरना मेन डे में फिर एकदम से करना मुश्किल थोड़ा हो जाता है। तो अभी साथ एक बन रही है लैम्ब कढ़ाई और साथ में बना रही हूँ चिकन कढ़ाई, जो कि मेरे किड्स की भी फेवरेट है और मतलब सबकी। तो बस मैं इसका मसाला बना के रखूँगी ताकि नेक्स्ट डे फिर चावल जो है बॉयल करके ना इस तरह से। तो शामी कबाब जो है ना वो मैंने बनाए थे पहले, लेकिन थोड़े रह गए थे, मतलब साथ साथ होता है कि टी टाइम में कभी निकाल लिया इस तरह से, तो वो उसका मसाला मैंने बनाया है पहले मॉर्निंग में, तो अभी मैं उसको कर रही हूँ ऐसे, मैंने कहा टिक्कियाँ बना के रख दूँ साथ में, ये भी इसको देख रही हूँ
क्योंकि जब इस टाइम काम हो जाता है ना तो फिर आपको होता है, क्योंकि कपड़े वगैरह तो मैंने प्रेस कर दिए हैं, वो टेंशन फ्री ज़्यादा उसी का होता है कि कपड़े भी प्रेस करने हैं सबके, लेकिन वो हो चुके हैं दोनों दिन के लिए मैंने करके रख दिए हैं। तो थर्ड डे पे देखें जो भी उन्होंने कहा, तो वो भी ये बन चुकी है। गार्निशिंग वगैरह वो मैं कल करूँगी। तो बस इसी तरह से ये अभी तैयारी हो चुकी है। अभी रोज़ा है आज मेरा, तो मैंने कहा चलो पहले वो इफ्तारी कर लेती हूँ, उसके बाद जो डिज़र्ट है ना वो बाद में बना के तो फ्रिज में रख दूँगी। तो बस किड्स आ गए हैं, बच्चों को बुलाया मैंने कहा यार जल्दी से हेल्प कर दो, तो अभी वो कर रहे हैं। तो हमारे ये अभी काम हो गया है, किचन भी क्लीन हो गया है। तो अभी मैं थोड़ा सा करूँगी अपनी स्किन केयर की कुछ, मैंने कहा चले मास्क यूज़ करती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ आपसे ईद पे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।